हरे कृष्णा। भगवत गीता की ऑडियो नंबर 107 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद देव जी की जय। पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। इस ऑडियो में हम पहले अध्याय के महात्म्य पर एक कथा के थ्रू चर्चा करेंगे। बताया जाता है कि सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही पापी पापमय जीवन बीत रहा था, मतलब पापमय जीवन जिसने बिताया। सुशर्मा ये एक ब्राह्मण था, तो नेचुरली फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको बहुत जन्मों तक जो है वो नरक में वास करना पड़ा, और फाइनली फिर उसको जब मनुष्य धरती पर एक तरह से दोबारा से जन्म मिला तो उसको एक बैल का जन्म मिला। और बैल भी नेचुरली अब उसको तो अभी यातनाएं सहनी थी, तो ऐसे मालिक था जो उसको बहुत ज्यादा काम कराता था, और एक दिन वो ओवर वर्कलोड की वजह से मर गया। अब वो कहीं मर रहा था, मरा हुआ था, ऐसा कुछ वर्णन है। तो उस पर दया आकर एक व्यक्ति ने, जब वहां पर लोग भीड़ सी इकट्ठी हो गई, तो एक व्यक्ति ने अपना पुण्य उस बैल को अर्पित किया। तो उस व्यक्ति के देखा देख औरों ने भी अपना पुण्य अर्पित किया, तो उसी भीड़ में एक वैश्या भी थी, उसने भी अपना पुण्य अर्पित कर दिया। खैर, अब जब वो लॉर्ड यमराज के पास पहुंचा बैल अगले जन्म को पाने के लिए, तो लॉर्ड यमराज ने कहा कि एक वैश्या ने तुम्हें अपना पुण्य अर्पित किया है, और वो इतना महान है कि उसके फल से अब तुम्हें सीधा एक अच्छे ब्राह्मण के रूप में जन्म मिलेगा, और साथ में उसको पिछली अपनी जो जिंदगी है उसको याद रखने की, मतलब एक तरह से पास्ट लाइफ मेमोरी भी उसकी उसको दी। अब नेचुरली वो बड़ा प्रभावित था कि आखिर किस वैश्या की कृपा से मैं जो है वो एक बैल के रूप में मर के अब ब्राह्मण बन गया हूँ, और मुझे मौका मिला है कि मैं फिर से भगवत प्राप्ति कर सकूँ। तो उस वैश्या के पास पहुँचा तो उसने बताया कि वो पहला चैप्टर जो है वो बार बार रिसाइट करती है जो उसने एक तोते से सुना। एक्चुअली जितना मेरे को ख्याल है उसको नहीं पता था कि वो पहला चैप्टर रिसाइट कर रही है, उसने तो कुछ रिसाइटेशन बताई जो वो एक तोते से सुनती थी। अब वो जो तोता था वो भी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, पापी ब्राह्मण, सिंफुल ब्राह्मण, तभी इसलिए वो तोता बना था, और अभी उसकी सफरिंग्स पूरी नहीं हुई थी इसलिए उस तोते के पेरेंट्स भी जल्दी मर गए, और वो सफर जो है ही वॉज सफरिंग। तो कुछ साधुओं ने जो है उसको उठाकर अपने आश्रम में ले गए, और वहां पर कुछ बच्चे जो है वो गीता पाठ सीखते थे, तो वो पहला चैप्टर जो है वो लर्न कर रहे थे, तो उसी से वो तोते ने भी पहला चैप्टर सीख लिया था। और बाय द वे उस तोते को जो है कुछ चोरों ने चुरा लिया और फिर बाजार में बेच दिया, जहां से इस वैश्या ने उस तोते को खरीद लिया, और फिर वो जो है तोता जो है वो घर में बैठ के जप करता रहता था, मतलब वो जो भी उसको याद था वो फर्स्ट चैप्टर था बेसिकली भगवद गीता का, और वो वैश्या सुनती थी, और इसी से उसके पास इतनी महान सुकृति इकट्ठी हो गई थी कि जब उसने वो बैल को दिया तो सिर्फ उसी बात से ही वो 84 लाख योनियों में भटकने के बजाय उस बैल को सीधा ही एक शुद्ध ब्राह्मण के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। तो इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भगवद गीता को जो है ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और बताया गया है कि अगर आप सिर्फ एक श्लोक भी रोज पढ़ें, सिर्फ एक श्लोक भी, तो आपको अपने जीवन की जो सफलता है वो प्राप्त हो सकती है, है ना, जो आपकी आध्यात्मिक सफलता है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम टीचिंग्स के ऊपर थोड़ा सा लुक बैक करें तो पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें हमारे जीवन में कंपैशन बहुत जरूरी है, करुणा। अगर हम गीता समझना चाहते हैं तो हमारा जो नेचर है वो नॉन क्रूअल होना चाहिए, यानी कि हम क्रूअल होता ना जो बहुत ही आतताई टाइप होता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, काइंड, हमारा नेचर जो है वो काइंड होना चाहिए। और गीता जो है वो परंपरा में सुनी भी होनी चाहिए, नहीं तो कुछ लोग जो परंपरा में नहीं सुनते इधर उधर से सुनते हैं और या नहीं भी सुनी होती तो वो ये सोचने लगते हैं कि गीता तो वायलेंस प्रमोट कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गीता तो रादर शांति का पाठ ही सिखा रही है ना। गीता हमें ये सिखाती है कि हमें भगवान को सरेंडर करना है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, करेक्ट। हमें ये समझना है कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हमें भगवद गीता से मिलती हैं। तो आप सबके आशीर्वाद से इस ऑडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर को अब कंप्लीट कर रहा हूँ। आप सबसे प्रार्थना है कि प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इंग्लिश में भगवद गीता एज इट इज या हिंदी में भगवद गीता यथारूप आप ध्यान से जरूर पढ़ें, रोज पढ़ें, और इससे आपको आध्यात्मिक जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि हम इसी आपके आशीर्वाद से इसी तरह किसी दिन ये 18 के 18 अध्याय हम कंप्लीट कर पाएंगे। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।